हथियारों की जरूरत नहीं, नजरों से किल करेंगे। छोटी सी जिंदगी है जनाब, हम तो चिल करेंगे। हमारे नाम से तो पूरे शहर को तकलीफ है, क्योंकि हमें देखकर हर लड़की की मम्मी कहती है लड़का छोटी वाली के लिए ठीक है। बाबा लोग जिस चीज का खौफ रखते हैं ना, अपन उस चीज का शौक रखते हैं। खत्म। हालातों से मिलाई नजारों से नजर हटाई है दोस्त, सबसे हंसकर मिले क्या बीत रही छुपाई है दोस्त। सबको लगता है कि खुशकिस्मत हूँ मैं, मुझे जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली, मैंने जिंदगी बनाई है दोस्त। और शौक नहीं देखिए, आपकी यंग उम्र होती है, जो आप कह रहे हैं कि लोग डेट पे जाते हैं, पैसे खर्चते हैं, वो जिसके पास गाड़ी होती है वो सारे पैसे गाड़ी को चलाते देखो।
ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਿਆ ਦਫੀ ਆ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਲਨ ਦੇਖੀ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੇਸ ਉੱਤੇ ਨੀ ਘੁੰਮਦਾ ਏ ਦੇਖ ਸੱਤ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਨੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀ ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੇਉਂਡਣੇ ਪਰਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਚਿਕਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਨੇ ਕੁੜਤੇ ਆਏ ਲਾਗ ਦਿਲ ਪੈਗ ਡੀਜੇ ਕੀ ਬੀਟ ਮੈਂ ਪਾੜੇ ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਭੀਗੇ ਭੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋ ਕਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਅਰੇ ਲੜਕੀਓ ਕੇ ਚੱਕਰੋਂ ਮੰਨਾ ਪੜੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਲੜਕੀਆਂ ਥਾਰੇ ਚੱਕਰੋਂ ਪੜੇਂਗੀ My candy painted Caucasian gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ ਨੈਣ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੁੜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਵੈਰ ਕੁੜੇ ਊਂਚਾ ਉੜ ਕੇ ਇਤਨਾ ਇਤਰਾਓ ਮਤ ਪਰਿੰਦੋ ਮੈਂ ਔਕਾਤ ਪੇ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਆਸਮਾਂ ਖੜੇ ਰਹੂੰਗਾ बहुत पुराना एक ख्वाब था जिसे देखकर लगा नहीं था कि पूरा होगा कभी पर अब जब तुम्हें देखता हूं अपनी आंखों के सामने तो लगता है जैसे सपने सच में पूरे होते हैं मार्केट में नई मूंगफली आ जाने से बादाम के रेट कम ना होते डार्लिंग जिंदगी में आगे जाने के लिए स्कूल में पीछे बैठना बहुत जरूरी होता है ਨੱਚਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਲੋ ਬਿਲੋ ਚੱਲਦੀ ਪੱਲਾ ਫੱਪਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੋ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬੀਬਾ ਆਤ ਨੇ ਲਿਖੇ ਦੱਤ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢੇ ਬੜੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੱਲੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਟੀ ਥੀ
स्कॉर्पियो में बिठा था छोरा, पसंद तो होंडा सिटी थी, स्कॉर्पियो में बिठा था छोरा, मोटी मोटी कह के मरते बारे में छोरा। जब से क्रिमिनल और पॉलिटिशियन लोगों ने इस गाड़ी को यूज करना शुरू किया तब से गाड़ी ही क्रिमिनलाइज हो गई। पैसा नहीं मिल पाता है सर, रिकवरी में दिक्कत आती है। कोर्ट कचहरे की धमकी किसी और को दियो, हमारे आगे तो तेरा वकील तक नहीं आएगा और हम पैर भी रखेंगे कोर्ट में, उससे पहले तेरा मुकदमा ही खत्म हो जाएगा। क्यों गाड़ी मुझे दूर से बोली दे, तेरे औकात नहीं, निकल में बैठने की औकात नहीं मेरे में। ये सच है, वो गाड़ी इतनी रीच है ना कि उसमें बैठने की औकात ही नहीं है मेरी, सच बोल रहा हूँ। भाई यार सपना तो ये है कि जब हम घर से निकले तो एक गाड़ी पुलिस की आगे हो, एक पीछे हो, बीच में हम हो और रास्ता पूरा क्लियर होता रहे, फुल सिक्योर। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम जैसे इंसान को ये शोभा देता है और क्या? हमारी इज्जत का क्या है रवि? हमें अपना रुतबा बरकरार रखना है। गाड़ी एक ऐसा शौक है जिसको डल जाएगा ना exactly. वो किसी और शौक नहीं। देखिए आपकी यंग उम्र होती है, जो आप कह रहे हैं कि लोग डेट पे जाते हैं, पैसे खर्चते हैं, वो जिसके पास गाड़ी होती है वो सारे पैसे गाड़ी होगा।